काफ़ी टाइम से तो डॉक्टर अशफी डॉक्टर असफी मेरा महादेव <laughs> डॉक्टर यार एक आप उसको कह सकते हैं कि एक हीरो है लेकिन आई मीन मजॉोरिटी ऑफ द टाइम कोई हीरोइक का एक्शन तो नहीं कर रहा था या डांट रहा था या बड़ा सख्त था लाइक आई मीन देर नथिंग मुझे नहीं लगता ऐसी कोई क्वालिटी थी जो एक हीरो में होती है हाँ जो क्वालिटी इंसान में होती है वो ज़रूर थी बस मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जैसी हो तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो सम पीपल आल्सो फेल्ट कि ये ओवररेटेड था व्हाट्स योर टेक ऑन दिस सर ये कुछ लोगों को लगा ओवररेटेड है तो ठीक है सबकी ओपिनियन तो होती है आई I मीन mean, जब यकीन का सफर फर्स्ट टाइम ऑनर हुआ था तो मैंने साथ साथ देखा उसे और मैंने एक डिफरेंट लेंस के थ्रू देखा था ना कि मैं पहली दफ़ा मैं I've achieved what I've always wanted to achieve. मैं एक्टिंग you know, कर रहा हूँ मैं स्क्रीन पर आ गया हूँ तो इज़ वेरी वेरी गुड फीलिंग वेरी ऑलसोस केरी फीलिंग तो पहली दफ़ा तो मैंने उस लेंस से देखा फिर वो जब वो ड्रामा जो है वो मशहूर होना शुरू हुआ तो अच्छा लगा कि यार लोग काम अप्रिशिएट कर दें जब मैंने सेकेंड टाइम देखा तो मैंने एज एन आर्टिस्ट देखा ठीक है तो एक साल गुजर गया तो मैंने बैठ के मैंने आराम से You know, सारी देखी? ज़्यादा ज़्यादा गहरा नहीं 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 है। है? है। है। हो रही है। है। ठीक तीसरी बार जब देखा तो आई थिंक एज एन ऑडियंस मेंबर मैंने फाइनली वॉच किया और मैंने वॉच भी किया किसके साथ अपने गोरों दोस्तों के साथ तो मैं साथ साथ ट्रांसलेट भी कर रहा था एंड देन आई रियलाइज कि यार अच्छा इसका कुछ वॉज समथिंग बिहाइंड द शो दैट पीपल जस्ट दे जस्ट लव दे लाइक क्योंकि अब मैं जब अपने गोरों दोस्तों के साथ बैठा हुआ हूँ ये लोग तो पता नहीं सब सब कुछ देखते हैं यू नो दे दे हैव वॉच इंग्लिश एंड बॉलीवुड फिल्में भी देखते हैं ब्ला, ब्ला, ब्ला। ये देखियो कि अच्छा नेक्स्ट एपिसोड एपिसोड नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड अपिसोड बैठा यार सीरियसली और देखना लाइक यार तो हम बैठ के हमने उसी दिन आई थिंक ट्वेंटी पता नहीं आई डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी लेकिन सब ने बैठ के देखा जल्दी जल्दी करती सुबह सुबह चाय में नमक डाल दिया कभी कुछ भूल जाती हो मुझे लगता है एदा में तो मेरी ट्रेनिंग हो रही थी एक किस्म की ना तो ना। उसमें तो बहुत मजा आया और ऑब्वियसली एदा का एक उसकी खासियत ये थी कि सब आई फील के वो एक ऐसा ड्रामा था कि सब बैठ के पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है एंजॉय कर सकती है चार लड़कों की कहानी एंड आई थिंक Uh, इसलिए वो लोगों के साथ बहुत कनेक्ट uh, किया उसने उस ड्रामे ने सो करेंटली हैव यू पर्पजली टेकन अ ब्रेक या कोविड की वजह से इट्स बिन ऑलमोस्ट अयर हमने आपको स्क्रीन पर देखा है um, really, साल हो गया आई मिस एक्टिंग स्पीकिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड आपने धूप की दीवार शूट किया है फजी फाइव टेल एस अबाउट दैट लोगों को कहानी का थोड़ा सा तो पता है कि उसमें क्या होता है

लोग एक एक न्यूट्रल स्टांस भी देखें तो आई डोंट नो पता नहीं मैं धूप की दवा के बारे में और क्या बोलूं आई विश मैं ये बोल सकता कि कब ऑनर हो रहा है रिलीज हो रहा है बट आई थिंक वेरी सुन या वेरी सुन A lot of people are curious कि कब रिलीज हो रहा है। आई एम क्यूरियस जो मेरे फैंस हैं, I mean I I I am nothing without my fans। और जो मेरे फैंस नहीं हैं आई होप मैं आपको अपना फ़ैन बना लूँ या फ़ैन ना बनाऊँ एटलीस्ट आप मेरा काम पसंद करें बस इससे और क्या कर सकता हूँ मैं पता है क्या इस, इस ये पूरे साल में एक अच्छी चीज़ तो हुई है कि आई हैव जस्ट रियलाइज कि यार इट्स ओके वट एवर इट इज़ फाइन किस चीज़ से प्यारे एक्टिंग से बस वो करो और चुप चिल करो